एक औरत की खूबसूरती, धन दौलत, बाल बच्चे सब चले जाते हैं, क्योंकि वो सारी चीजें उसके हाथों में नहीं होती, पर उसका आत्मसम्मान उसके हाथों में होता है। उसे अपने हाथों से कभी छूटने मत देना गुंजन। बाकी तुम्हें खुद अपने में समझ है कि तुम्हें क्या करना चाहिए, और अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मयंक ने तुम्हारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई है, तो बेटा तुम यस मौसी जी, आई अग्री, सेल्फ रिस्पेक्ट इंपॉर्टेंट होती है, और अगर सच बताऊं तो इस बार मयंक ने मुझे बहुत ह्यूमिलिएट किया। सबके सामने जो मन में है कहता चला गया, जो दिन मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन हो सकता था वो नहीं। यू नो व्हाट मौसी जी, मैं जानती हूं कि महक मुझसे बहुत प्यार करता है, और इसीलिए उसने गुस्से में आके ये सब कुछ कह दिया। वो कहते हैं ना, प्यार और गुस्से में इंसान कुछ भी कर सकता है। पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर। बात करनी है। बात नहीं भैया, हमें अभी इसी वक्त आपसे बात करनी है। भैया आप अपना गुस्सा शरीर पे क्यों निकाल रहे? भैया हम आपसे बात कर रहे हैं, आप बस भी कीजिए, चलिए हमारे साथ। कहाँ रचना, कहाँ चल? कुंजन के पास। क्यों? क्योंकि आपको उससे माफी मांगनी पड़ेगी। ये सब मुझसे नहीं होगा रचना। क्यों नहीं होगा भैया, आपने उसका दिल तोड़ा है, पर आपको पता भी है जब किसी लड़की से ऐसे। हम जानते हैं भैया, जब तुम किसी को चाहते हो और वो तुम्हारा साथ ना दे तब कितना दर्द होता है, चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। और भैया जितना हम गुंजन को जानते हैं ना, उसे और कोई नहीं जानता। घर से लेके कॉलेज तक, रात के सोने तक हम उसके साथ रहते हैं भैया, और जैसे उसके बारे में आप सोच रहे वैसे वो बिल्कुल नहीं है, 1% भी नहीं। वो आपको दिल से चाहती है। सच बोलिएगा भैया, आप गुंजन को चाहते हैं ना? आपकी आंखों में हमें नजर आ रहा है कि आप उससे बहुत प्यार करते हैं, तो फिर देर किस बात की, एक सॉरी बोलकर टूटा हुआ दिल जोड़ दीजिए ना, प्लीज। एक सॉरी बोल के बात ठीक नहीं की जा सकती रचना। गुंजन ने गलती की है और उसे मुझसे आके माफी मांगनी चाहिए। एंड एनीवे, तुम नहीं जानती कि गुंजन ने क्या क्या किया है, इसलिए रचना तुम प्लीज इस पचड़े में ना पड़ो तो अच्छा है। प्लीज प्लीज रचना, मैं कुछ सॉरी वॉरी नहीं बोलने वाला, इसलिए तुम प्लीज यहां से चली जाओ। भैया हमें यकीन नहीं हो रहा है कि आप अपने अहंकार के खातिर प्यार को ठोकर मार रहे हैं। क्यों? ये अकड़, ये अहंकार किस काम का, जब जिंदगी की सबसे खूबसूरत चीज प्यार ही ना हो। रचना पछताओगे भैया, बहुत पछताओगे। अरे उनके घरेलू मामले से हमें क्या लेना देना? आप भी ना टू मच हैं। कैसे लेना देना नहीं, उनके घर की बेटी हमारे घर की बहू बनकर आ रही है, और आप है कि कह रहे हैं क्या लेना देना। सिर्फ वो आ रही है, अपना घर साथ में नहीं ला रही। अपने एक्सपर्ट कमेंट देने की बजाय जरा दयाल जी के बारे में सोचो, क्या गुजर रही होगी उनपे। बच्चों की तूतू मामे में फंस गए बेचारे, सारी बिरादरी दोस्तों के सामने ऐसा तमाशा होना। अरे हम तो सोचने पे जस्ट मजबूर हो गए हैं कि उनके घर में रिश्ता करके हम कोई गलती तो नहीं कर रहे। माय डियर विहान के लिए लड़कियों की कोई कमी नहीं, और हमें
खोखली में सर दे रहे हैं? बताइए। यू आर 100% राइट मॉम। क्या मतलब? मतलब ये कि मेरे लिए लड़कियों की कमी नहीं, लेकिन लक्ष्मा बहुत ही अच्छी लड़की है। शी इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। मॉम कॉलेज की सभी चलाक और चंड लड़कियों के मुकाबले ना वो बहुत ही सीधी और स्वीट है, और ये सारे पंगे में उसका कोई कनेक्शन नहीं है मॉम। ये हुई ना अकलमंदों वाली बात, इस पर हम तुम्हें देते हैं दाग। रचना, मैं घर पे है क्या? हाँ। गुंजन बैठो। बेटा तुम मयंक से एक बार बात करके देखो ना। नहीं मौसी जी, गलती तो मयंक ने भी की है ना, वो क्यों नहीं आकर मुझसे माफी मांगता है? अगर वो भी ऐसा ही सोच रहा हो तो तुम्हारा इंतजार कर रहा हो। I can't help it, मौसी जी, अगर उससे गलत फहमी है तो। हाँ ये भी हो सकता है, लेकिन बेटा तुम्हें ने कहा था ना कि हर रिश्ते के लिए भरोसा समझौता बहुत जरूरी होता है। बेटा सारी जिंदगी निकल जाती है और लोग ये सीधी सी बात नहीं समझ पाते। अगर थोड़ी सी बात करके बात बन सकती है तो क्यों नहीं? हाँ कुंचन, तुम्हें तकलीफ हो रही है ना? वहां अकेले में भैया को भी हो रही होगी, है ना कुंचन? तो जाओ ना, जल्दी से बात करके अपनी और मयंक भैया की तकलीफें दूर कर दो, मामला खत्म कर दो गुंजन, प्लीज। हाँ बेटा। गलती हो गई मुझसे, आप सबके खिलाफ जाके इस लड़की से शादी करने का फैसला करने को। हम जैसे स्मॉल टाउन और ओल्ड फैशन लोगों के बीच में गुंजन रह नहीं सकती। नहीं मयंक, मैं ऐसी नहीं हूँ, तुम्हें कोई गलत नहीं। गलत फहमी हुई थी गुंजन, लेकिन अब वो खत्म हो चुकी है। प्लीज मुझ पे भरोसा करो। भरोसा? और तुम पे? आई डोंट ट्रस्ट यू एट ऑल। ओके, सपने जो देखे थे वो टूटे हैं। जाओ कुंचन, जोड़ू मैं अब भैया से जाकर बात करो। रूठोगे ऐसे मुझसे यूं तुम, सोचा ना था कभी मैंने। थैंक यू चारू, तुम्हें पता नहीं है कि तुम कितनी अच्छी हो। अगर ऐसे वक्त पे तुम जैसे एक सच्चा दोस्त मिल जाए तो सब मुश्किलें आसान हो जाती हैं। विली चारू, आई डोंट हैव वर्ड्स कि मैं तुम्हें थैंक्स कैसे बोलूं। अगर सोच के देखो तो तुम मेरे परिवार के लिए हमेशा मौजूद रही हो। दैट मेक्स यू सो स्पेशल, वेरी स्पेशल। इसीलिए चारू मुझे प्लीज कल के लिए माफ कर दो। I'm really, really sorry. पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर।